वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे श्रोतियां नूं मेरे मनिंदर कौर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। शुरू करते हाँ इस किताब का भाग तीजा। भाई नंद लाल साहिब लिखते हैं, दर मजहबे मां गैर प्रस्ती ना कुनंद, सरता बकदम बहोश ओ मस्ती ना कुनंद, सरता बकदम बहोश ओ मस्ती ना कुनंद। जलूस आराय तव हुद दर कसरत, निजाम इकतराय तलक दर वहीदत। भाई गुरदास जी गुरसिखा नू अनन्य दी उपासना दा उपदेश दंदे हुए देवी देवता दे पूजन दा निषेध करदे हन। जैसे पतिव्रता पर पुरखे ना देखियो चाहे, पूरन पतिव्रता को पत ही में ध्यान है, सर सरिता समुन्द्र चात्रिक ना चाहे काहू, आस कन बूद प्रिया प्रिया गुणगान है, दिनकर और पोर चाहत नहीं चकोर, मन बच कर्म हिमकर प्रिय प्राण है, तैसे गुरसिख आन देव सेव रहत पै, सहज सुभाव ना अवगया अभिमान है, दोए दर्पण देखे एक से अनेक रूप, दोए नाव पाव तरे पहुंचे ना पार है, दोए दिशा गए गहाए सह हाथ पौ टूटे, दुराहे दुचित होए भूल पगतार है, दोए भूप ताके गाओ परजा ना सुखी होत, दोए पुरखन की ना कुल बदू नार है, गुरसिख होए आन देव सेव टेव गहे, सहे जम दंड त्रिग जीवन संसार है। प्यारे हिंदू जी, आप दी और साड़ी उपासना और पूजा दा तरीका भी एक नहीं है। आप पूजदे हो चंदन कुंगू आरती आदिक सामग्री नाल, पर साड़े धर्म विच पूजन दा एह प्रकार है। तेरा नाम करी चण नाठिया जे मन उरसा होए, करनी कंगू जे रलै घट अंतर पूजा होए, पूजा कीचे नाम त्याई है बिन नावे पूजना होए, रहाओ बाहर देव पखाली है जे मन धोवै कोए, झूठ लहे ज्यो माजी है मोख पयाणा होए। दूजे पाए अग्ञानी पूजदे दरगे मिले सजाए, आत्म देव पूजी है बिन सतगुर बूझ ना पाए, मन संपट जित सत सरनावन, पावन पाती तृप्त करे, पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रहे, अचत पूजा जोग गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आगे, सर्ब जिया का है प्रतपाल, हर की पूजा दुलंब है, संतो कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, परम भूले अज्ञानी अंधले, परम परम फूल तो रावे, निर्जियो पूजे मड़ा सरेवे, सब बिरथी काल गवावे, गगन में थाल रवचन दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलियान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त नन एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध विचलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए, तिसके चानण सब मह चानण होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावै सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो, अंदिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंको, होए जाते तेरे नाम वासा। हिंदू, आप देवी देवत्यां दे पूजन दा गुरमत विच निषेध आखदे हो, पर दसवें गुरु जी ने खुद देवी पूजी है, जिहा की बचित्र नाटक दे इस बचन तों, महाकाल कालिका आराधी।
प्रतीत हुंदा है और उन्होंने दुर्गा की महिमा विच चंडी चरित्र लिखिया है और उसके पाठ का महात्म दसिया है। यथा जाहे नमत पढ़े सुने नर सो निश्चय कर ताहे दई है। फेर ना जूनी आया जिन एह गाया। सिख प्यारे हिंदू भाई, गुरु साहिब ने अकाल नू तरलंग रूप वर्णन किया है। यथा नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता। इस थां कालिका पद का अर्थ अकाल तो भिन्न कोई देवी नहीं है। जे देवी की उपासना होंगी तद अगे द्वै ते एक रूप हैव गयो दी थां त्रै ते एक रूप हैव गयो पाठ हुंदा और अकाल पुरख बाच इस कीट प्रति दी थां अकाल अर कालिका बाच हुंदा। आप नूं निरसंदेह करन लई असी प्रबल पंज युक्तियां नाल देवी दे पूजन दा खंडन दिखाउंदे हां। पहला, गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने सिखां नूं हुक्म दिता है कि बिन करतार ना किरतम मानो, अर्थात करी हुई वस्तु नूं ना पूजो, करतार करन वाले दी उपासना करो। और चंडी दी वार विच जिक्र है, तैं ही दुर्गा साज कै दैंता दा नास कराया। इस तो सिद्ध है कि दुर्गा साजन वाला करतार होर है और दुर्गा उस दी रची हुई है। कि यह हो सकता है कि गुरु जी सिखां नूं उपदेश कुछ देन और आप उस दे विरुद्ध अमल कुछ होर करन, अर्थात सिखां नूं करतार पूजना दसन ते आप करी हुई वस्तु दे उपाशक बनन। दूजा, गुरु साहेब प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जोबर चाहूं सो तुमते पाऊं, एक बिन दूसर सो ना चिनार, भजो सो एक नाम्य जो काम सर्ब ठाम्य, ना ध्यान आन को धरो ना नाम आन उचरो। कि ऐसा हो सकता है कि गुरु साहेब अपनी प्रतिज्ञा दे विरुद्ध देवी पूजन करन। तीजा, ग्रंथकर्ता जिस देवता नू पूजदा है अपनी रचना दे आद विच अपने पूज देवता दा नाउं लैके मंगल करदा है। बल्कि विद्वान लोक ग्रंथ दा मंगलाचरण देख के ही कवि दा इष्ट समझ लैंदे हन। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, यही मंगलाचरण श्री मुख वाक बाणी दे आद रख्या है। फिर किस तरह ख्याल किया जा सकता है कि दसम गुरु जी देवी भगत सन। चौथा, सिखां विच दस सतगुरु एक रूप मन्ने गए हैं, जो आशा गुरु नानक देव दा है ओही गुरु गोबिंद सिंह जी दा है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब विच यह बचन हैं, परमे सुर नर देवी देवा, देवियां नहीं जानै मर्म, महामाई की पूजा करै नरसे नारी होए अवतरै, तू कहियत ही आद भवानी, मुक्त की बरिया कहा छपानी। और फिर खुद कलगी धर अकाल उस्तत विच लिखदे हन, चरण सरन जह बस्त भवानी, अर्थात देवी अकाल दे चरणा दी दासी है। और इस पर सतगुरां दा बचन है कि ठाकुर छोड़ दासी को सिमरै मनमुख अंध अज्ञाना। और जिस देवी नू गुरु अंगद साहिब ने गुरु नानक देव जी दे दरबार दी झाड़ू बरदार मन्निया, तद किस तरह हो सकता है कि उसी गुरगद्दी दे मालक अपने बजुर्गां दे आशे तो विरुद्ध और अपने लेख दे विरुद्ध देवी दी उपासना कर दे। पंजवां, भाई मनी सिंह जी ने दसवें गुरु साहिब तो अमृत छकिया और गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अर्थ पढ़े। ओह भाई साहिब ज्ञान रत्नावली दे आद विच एह मंगलाचरण करदे हन, नाम सब देवां दा देव है, कोई देवी नू मनावदा है, कोई शिवा नू, कोई गणेश नू, कोई होर देवत्या नू, गुरु के सिख सत नाम नू आराधदे हैं, जिस करके सब विघन नास हुंदे हन, तां ते सत नाम दा मंगलाचार आदि रख्या है। जे दसवें सतगुरु दा इष्ट देवी हुंदा तां की भाई मनी सिंह जी अपने गुरु दी पूज्य देवी बाबत ऐसा लिख सकदे हन। और प्यारे हिंदू जी, आपने जो देवी दे महात्म बाबत आख्या है, सो ओह दसवें सतगुरु दा उपदेश नहीं, ओह मारकंडे पुराण विचों दुर्गा सप्तशती दा तर्जमा है, जिहा कि चंडी चरित्र विचों ही सिद्ध हुंदा है। सत सह की कथा यह पूरी पई है, बल्कि असल
संस्कृत पुस्तक विच बहुत ही विस्थार नाल महात्म लिखिया है, जिस दा संखेप एह है। देवी कहिंदी है, जो मेरी इस उस्तत नू सुनदा है और नित पढ़दा है, उस दे सब दुख पाप दरिद्र आदिक नाश हो जांदे हन। दुश्मन चोर राजा शस्त्र और अग्नि इना सबना दा डर जांदा रहिंदा है। युद्ध विच पुरशारथ वधदा है, वैरी मर जांदे हन, मुक्ति मिलदी है, कुल दा वादा हुंदा है, ग्रहां दी पीड़ा नहीं रहिंदी, राक्ष भूत प्रेत और पिसाचां दा नाश हो जांदा है। अग चोर वैरी शेर जंगली हाथी इना तों किरिया होया छुटकारा पाउंदा है। राजे तों जे मारन दा हुकम हो जावे अथवा कैद होवे, समुंदर विच तूफान आ जावे, इना सब दुखां तों बच जांदा है, इत्यादिक। इसे दा संखेप है, जाहे नमत पढ़े सुने नर और फेर ना जूनी आया। हिंदू सिखां दा नित अरदास वेले एह पढ़ना कि प्रथम भगोती सिमर कै साफ सिद्ध करता है कि खालसा धर्म विच देवी उपासना है। असल विच भगौती पद संस्कृत भगवती है, जिस दा अर्थ देवी है। गुरु गोबिंद सिंह जी फारसी अखरां विच अपनी कविता लिखिया करदे से, सो भगवती और भगौती इक्को पढ़िया जांदा है। गुरमुखी लिखारियां ने असल शुद्ध पाठ समझे बिना भगवती दी थां भगौती लिख दिता है। सिख भगौती पद पर गुरमत सुधाकर विच चर्चा कीती गई है। आप उसनू देख के संसा मिटा सकते हो, पर असी आप नू दो चार प्रश्न करते हां जिन्हां तो आप दी तसली हो जाएगी। पहला, चंडी दी वार विच पाठ है, लई भगौती दुर्ग शाह वर जागन भारी, लाई राजे सुंभ नू रत पीए प्यारी। कि इसका भाव यह है कि दुर्गा ने भगवती देवी फड़ के राजे सुंभ दे सिर विच मारी, जिस ने उसका लहू चख्या। दूजा, कि गुरु अर्जन साहिब भी फारसी अखरां विच शब्द लिखिया करते सै, जिन्हां दी नकल करन वेले भाई गुरदास जी धोखा खा गए। देखो सुखमनी दा पाठ, भगौती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगौती की मत उत्तम होवै, हरके चरण हृदय वसावै, नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावै। क्यों साहिब, यह भगौती है जा भगवती, और स्त्री लिंग है जा पुलिंग। तीजा, भगौती स्तोत्र और भाई गुरदास जी की बाणी विच लिखिया है, नमो श्री भगौती बडैली सरोही, नाओ भगौती लोहो कढ़ाया। कि भगवती देवी नू साण पर बाढ़ चढ़ाया जांदा है, और कि ओह लोहे दी कड़ी हुई है। मेरे प्रेमी हिंदू जी, दबिस्तान मजाहब दे करता ने एक अखी देखिया प्रसंग देवी दा लिखिया है, जिस तों गुरसिखा विच देवी दे सन्मान दी असलियत प्रगट हुंदी है। ध्यान दे के सुनिए। गुरु हरगोबिंद जी कीरतपुर पहुंचे, जो राजा तारा चंद दी राजधानी विच सी। उत्थों दे लोक मूर्ति पूजक सन। पहाड़ दे सिर पर एक नैना देवी दा मंदिर सी, जिस नू पूजन लई आस पास दे लोक आया करदे सन। एक भैरों नामी गुरु दे सिख ने मंदिर विच पहुंच के नैना देवी दा नक तोड़ सुट्टिया। इस गल दी चर्चा सारे फैल गई। पहाड़ी राजिया ने गुरु साहिब पास पहुंच के सिख दी शिकायत कीती। गुरु साहिब ने भैरों सिख नू राजिया दे सामने बुला के पुछया, ता उसने आख्या कि देवी तो पुछना चाहिदा है कि उसका नक किसने तोड़िया है। इस पर राजिया ने भैरों नू आख्या कि हे मूरख, कदे देवी भी गल्ला कर सकती है। भैरों ने हस के जवाब दिता कि जो देवी बोल नहीं सकती और अपने अंगा नू नहीं बचा सकती, तुसी उस तो नेकी दी की उम्मीद रखते हो। इस गल नू सुन के राजे चुप हो गए। इस चले हुए देवी दे प्रसंग विच मुनासब मालूम हुंदा है कि असी अपने सिख भाइयां नाल भी दो गल्लां देवी बाबत करिए। प्यारे गुरु नानक पंथियो, सब तो पहला आप यह विचारो कि देवी कौन हुई है और उसने संसार दा की उपकार किता है। पुराणा तो ता यही पता लगदा है कि वह हिमालय दी बेटी सी और शिवजी नू व्याही गई सी, इसी वास्ते उस दे नाओ पार्वती गिरिजा और शिवा आदि हन। उसने देवत्यां दी हिमायत विच दैंता नाल युद्ध किया और इंदर नू कई वेर राज गद्दी मुड़ दवा दित्ती। और इंदर ओह देवता है जो सारा दिन अप्सरा दा नाच और तमाशा देखदा होया
ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਭਜਨ ਔਰ ਤਪ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਲੁੱਚੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਲਿਆ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਔਰ ਕੁਕਰਮੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਰ ਇੰਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਆਦਿਕ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਦਛ ਦੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਸਤੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਖਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀਰਭਦਰ ਅਥਵਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਗਧ ਹੁੰਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਿਖਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਉਹੀ ਉਹੀ ਪੂਜੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਡਿੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੰਤਕੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਥਵਾ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਆਦਿਕ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਭਿੰਨ, ਜੜ ਹੈ ਅਥਵਾ ਚੇਤਨ, ਔਰ ਅਨਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਤ। ਜੇ ਦੇਵੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਭਿੰਨ, ਚੇਤਨ ਔਰ ਨਿੱਤ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੜਤਾਲ ਫੇਰਨ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨਾਉ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਿੰਨ ਪੂਜਣਾ ਵੀ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨ ਔਰ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਵੀ ਕੋਈ ਜੜ ਔਰ ਅਨਿੱਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਔਰ ਭਾਈ ਭਾਗੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਪਰ ਤੁਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਮਾਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪੂਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਿਤਨਾ ਜਨੇਊ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਵਿਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨਿਆਇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭੂਸ਼ਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਨਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗੌਤੀ ਬਡੈਲੀ ਸਰੋਹੀ, ਕਰੇ ਏਕ ਤੇ ਦੁਐ ਸੁਪਟ ਹਾਥ ਸੋਹੀ, ਜੋ ਮਯਾਨ ਤੇ ਬੀਰ ਤੋਕੋ ਸੜੱਕੇ, ਪਰਲੇ ਕਾਲ ਕੇ ਸਿੰਧ ਬੱਕੇ ਕੜੱਕੇ, ਤਸੇ ਖੇਤ ਮੇ ਹਾਥ ਲੇ ਤੋਹੇ ਸੂਰੇ, ਭਿਰੇ ਸਮੂਹੇ ਸਿੱਧ ਸਾਵੰਤ ਸੂਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਆਪ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਕਲਪਤ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਤਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕੀਰਤ ਗਏ ਔਰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੁੰਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਉੱਤਮ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਧਰਮਵਾਨ ਬਲਵਾਨ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਦੇਵੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸੰਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਘੋਰ ਕਲਕਾਲ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ, ਆਪ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
हिंदू मूले भूले अखोटी जाही, नारद कहया सी पूज कराही। अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार। ओहे जा आप डूबे तुम कहां तरणहार। दूजा, घर मह ठाकुर नदर ना आवै, गल मैं पाहण लै लटकावै। परमे भूला साकत फिरता, नीर बुरोले खप खप मरता। रहाओ जिस पाहण को ठाकुर कहता, ओह पाहुण लै उसको डूबता। गुणह गार लूण हरामी, पाहण नावना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकुर जाता, जल थल महियल पूरन विधाता। तीजा, जो पाथर को कहते देव, ताकि बिरथा होवे सेव। जो पाथर की पाई पाए, तिसकी काल अजाई जाए। ठाकुर हमरा सद बोलंता, सर्ब जिया को प्रभ दान देता। रहाओ ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म निफल है सेव। चौथा, कर नारायण सभा नाल, पूज करै रखे नावाल। कुंग चन्नन फूल चढ़ाए, पैरी पै पै बहुत मनाए। माणुआ मंग मंग पैने खाए, अंधी कम्मी अंध सजाए। पंजवा, कहां पयो जो अतहित चित कर, बहुबद सिला पुजाई। पान थकेओ पाहन कह परसत, कछ कर सिद्ध न आई। अछत धूप दीप अर्पत है, पाहन कछु न खे है। तामे कहां सिद्ध है रेजड़, तोहे कछु बर दे है। जो जी होत देत कुछ तूहे, कर मन बच कर्म विचार। केवल एक सरन स्वामी, बिन यो नह कत उदार। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब पहाड़ी राजा नाल विरोध का कारण जफरनामे विच दसते हैं। मनम कुश्तनम कोहिया बुत परसत, कियो बुत परस्तंद मन बुत शिक्षत। मैं उपद्रवी पहाड़ियां दे मारन वाला हाँ, क्योंकि ओह मूर्ति पूजक हन अते मैं मूर्ति भंजक हाँ। इतिहास लिखण वालियां ने हाथी तंबू आदिक सामान ना देण करके सतगुरां दा पहाड़ी राजा नाल जो विरोध लिखिया है, सो गौण कारण है। मुख विरोध दा कारण खालसा धर्म दी सिख्या सी, जो मूर्ति पूजक मत दे विरुद्ध सी। दबिस्तान मजाहब विच लिखिया है, नानक पंथी जो गुरु दे सिख हैं, ओह बुत और बुतखानिया पर निश्चा नहीं रखते। सब तो वद के सिखां पास बुत प्रस्त ना होण दा इतिहासक सबूत यह है कि दसां सतगुरां विचों किसी ने भी कोई ऐसा मंदिर नहीं बनवाया जिस विच मूर्ति स्थापन करी गई होवे। हिंदू, आपने गुरबाणी दे प्रमाणा तो सिद्ध किया है कि सिख धर्म विच मूर्ति पूजा नहीं, पर की गुरु ग्रंथ साहिब दी पूजा मूर्ति पूजा नहीं? आप गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु दा स्वरूप जानदे हो और कटोरे विच कड़ा प्रसाद रख के भोग लवाउंदे हो। सिख गुरु ग्रंथ साहिब नूं अकाली हुक्म मन के सिख सन्मान करदे हन, जिस तों परमार्थक अर व्यवहारिक सच्चे उपदेश मिलते हैं। मूर्ति पूजका वांग पूजन नहीं करते। कटोरे विच कड़ा प्रसाद ग्रंथी वास्ते रखा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब नूं भोग लाउण लई नहीं। संसार विच जिस तरह शाही फुरमान नूं ताजीम दित्ती जाती है, सिर मत्थे ते रख के सिर झुकाया जाता है, उही बात गुरु ग्रंथ साहिब दे सन्मान दी है, क्योंकि ओह परम पिता शहनशाह दा फुरमान है। जे किसी प्रेमी ने यथारथ समझे बिना हिंदू पुजारियों की नकल की है, तद उसका दोष सिख नियमों उपर नहीं आ सकता। हिंदू, गुरु ग्रंथ साहिब विच धन्ने नू पत्थर विचों परमेशर मिलना लिखा है, और नाम देव दा मूर्ति पूजन तो ईश्वर दा पौना प्रसिद्ध है। भाई गुरदास जी ने भी धन्ने और नाम देव की कथा वारा विच लिखी है, जिस तो मूर्ति पूजा प्रसिद्ध हुंदी है। सिख गुरु ग्रंथ साहिब विच एह बिद सुन के जाटरो, उठ भगती लागा। मिले प्रतख गुसाइयां तन्ना वडभागा। तो छुट होर कोई तन्ने दा प्रसंग नहीं, अर ना पत्थर पूजन दा जिक्र है। भगत माल विच जो प्रेमी हिंदुआं दी रचना है, जरूर मूर्ति पूजा दे प्रसंग हन, जिन्हां दा संखेप भाई गुरदास जी ने सिखां दे ज्ञान लई लिखिया है। पर इह प्रसंग
ना सिखां ने रचे हन और ना ओह अनुवाद करन नाल इना दे जिम्मेवार हन। इस विच संसा नहीं कि नामदेव आदिक कई भगत पहला मूर्ति पूजक सन, पर जद उन्हां नूं पूरन गुरु तो सत ज्ञान प्राप्त होया तद परमात्मा नूं सर्वव्यापी मन के मूर्ति पूजा दे पूरन त्यागी हो गए। जिहा कि उन्हां दे बचना तो प्रगट है यथा सतगुर मिले ता सहसा जाई किस हो पूजो दूजा नदर ना आई एकै पाथर कीजै पाओ दूजै पाथर धरियै पाओ जे ओह देओ ता ओ भी देवा कह नाम देओ हम हर की सेवा। जहां जाइए तह जल पखान तू पूर रहयो है सब समान सतगुर मैं बलिहारी तोर जिन सकल बिकल भरम काटै मोर। जे कोई चलाक आदमी सत दा विरोधी गुरु शरण आउण तो पहला गुरु अंगद देव जी दा देवी पूजन अर गुरु रामदास साहिब दा गंगा पूजन दस के यह सिद्ध करे कि सिख धर्म विच दुर्गा ते गंगा पूजन विधान है तद कितना अन्याय अर अयोग है। इसे तरह प्रेमी हिंदू जी आप नामदेव आदिक भगतां दी कथा दा सिद्धांत समझ लो। छेवां संध्या तर्पण आप गायत्री आदिक देवतियां दी महिमा और उस्तत दे मंत्र पढ़ के और अंगन यास करके संध्या करते हो और तर्पण करके देवता पितर आदिका नूं पानी देंदे हो, पर सिख धर्म विच अजिही संध्या वर्जित है। केवल वाहिगुरु दा आराधन और गुरबाणी द्वारा उस सर्व शक्तिमान दा सिमरन करना विधान है। यथा एहा संध्या परवान है जित हर प्रभ मेरा चित आवै हर स्यों प्रीत उपजै माया मोह जलावै गुर प्रसादी दुविधा मरै मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करै मनमुखी ज्यों ना टिकै मर जमै होए खुआर। दूजा संध्या तर्पण करै गायत्री बिन बूझे दुख पाया। गुरसिखां लई जो नित कर्म है सो भाई गुरदास जी कथन करदे हन अमृत वेले नावना गुरमुख जप गुर मंत जपाया रात आरती सोहेला माया विच उदास रहाया। भाई दया सिंह जी अपने रहतनामे विच लिखते हैं गुरु का सिख तर्पण गायत्री वल चेतना देवे। सत्तवां सूतक पातक आप सूतक पातक दे वड्डे विश्वासी हो इथों ताई कि परदेस विच भी सूतक जा चिंबड़दा है। यथा जिथे अपने संबंधी का मरना अथवा पुत्र का जन्म सुने उसे वेले कपड़िया समेत पानी विच गोता मारे, पर सतगुरां ने इस भरम रूपी भूत नूं सिखां विचों कढ दिता है। देखो प्रमाण लई गुरवाक जेकर सूतक मन्नीए सब ते सूतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाणे अन्न के जिया बाज ना कोए पहला पाणी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोए नानक सूतक एव ना उतरै ज्ञान उतारे तोए। महला पहला मन का सूतक लोभ है जेहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर तन रूप कन्नी सूतक कन तै लायत बारी खाए नानक हंसा आदमी बदै जंपर जाहे सबो सूतक भरम है दूजै लगै जाए जम्मण मरना हुक्म है भाणै आवै जाए खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बूझिया तिना सूतक नाही। दूजा गुरवाक मन का सूतक दूजा पाओ पर मैं भूलै आवो जाओ मनमुख सूतक कभै ना जाई जिचर शब्द ना भीजै हर के नाई रहाओ सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जम्मै वारो वार सूतक अगन पौणे पाणी माहे सूतक भोजन जेता किश खाहे सूतक कर्म न पूजा होए नाम रतै मन निर्मल होए सतगुर सेविए सूतक जाए मरे न जन्मे काल न खाए। तीजा जल है सूतक थल है सूतक सूतक उपत होई जन्मे सूतक मुए फुन सूतक सूतक परज बगोई कहो रे पंडियां कौन पवीता ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक सूतक सर्वणी होई
ऊठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई। फासन की बिद सब को जाने, छूटन की इक कोई। कह कबीर राम हृदय बिचारे, सूतक तिने न होई। अठवा चौंकाकार। आप चौंकाकार आदिक दी बड़ी पाबंदी रखते हो। वस्त्रां सने भोजन खाना बुरा समझते हो। छूत छात दा हदों वध के भरम करते हो, जिहा कि आप दे धर्म पुस्तकां तों सिद्ध है। देवते चौंके अते कार दे ही आसरे जोंदे हन। जे गोहे दा चौंका पा के कार ना कड्डी जावे तां राक्ष अन्न दा रस लै जांदे हन। दूजा, उम्र वधाउणी होवे तां पूरब वल मूंह करके, यस वास्ते दक्षण, धन दी प्राप्ति वास्ते पछम, और सच दी प्राप्ति वास्ते उत्तर वल मूंह करके भोजन करना चाहिए। तीजा, जो कपड़े नाल सिर ढक के दक्षण वल मूंह करके और जुत्ती पहर के रोटी खांदा है, उसके भोजन नूं राक्ष खा जांदे हन। चौथा, भोजन करन वेले पैर गिले होने लोड़िए, वस्त्र नाल पूंज के खुशक कर लेने महापाप है। पंजवां, खब्बे हथ नाल खाना शराब पीने तुल है। छेवां, जे लोहे दे भांडे विच अन्न दिता जावे तां अन्न विष्टा तुल हुंदा है और खाना नरक नूं जांदा है। सत्तवां, जे ब्राह्मण दरख्त पर चढ़िया होया फल खांदा होवे और दरख्त की जड़ नूं चंडाल छू देवे तां ब्राह्मण नूं शुद्धि लई प्राश्चित करना चाहिए। अठवां, लसन गाजर गठा खुंभ और रे खाद पा के पैदा किता साग ना खावे। देवता नूं चढ़ाए बिना मांस ना खावे। जे मांस खाना होवे तां पाठीन और रोहू मच्छी दा खावे, होर मच्छी ना खावे। सेहे गो कछू सहा और ऊंट बिना शंका खावे, इत्यादि। गुरमत विच चौंके और कार संबंधी यह बचन हैं। दे के चौंका कड़ी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार। मत पिटै वे मत पिटै, एह अन्न साडा फिटै। तन फिटै फेड़ करेन, मन जूठै चुल्ली परेन। कहो नानक सच ती आईऐ, सुच होवै ता सच पाईऐ। दूजा, झूठे चौंके नानका, सच्चा एको सोए। तीजा, कुबुद डूमणी कुदिया कसायण, पर निंदा कट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल। कारी कड़ी क्या थीए, जा चारे बैठिया नाल। सच संजम करनी कारा, नावण नाओ जपेही। नानक आगे उत्तम सेई, जी पापा पांद ना देही। चौथा, बिन नावै सूतक जग छोत। पंजवां, कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ रहाओ। गोबर जूठा चौंका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। छेवां, लंगर में ना गोहा बालै, ना गोहे का चौंका देवै। सत्तवां, चतुर बरन इक देग आहारा, इक सम सेवै तर उर प्यारा। अठवां, प्रसाद जब तैयार होए, एक जगह अच्छी बनाए कै। शतरंजी कंबल लोई किछ होर कपड़ा होवे बिछाए। तिस पर बैठ कै कपड़िया नाल छके, चौंके का भरम ना करे। खाना पीना पवित्र है, दितौन रिजक संभाहे। उस वक्त ध्यान परम गुरु का करे, जो कोई उस वेले तलबदार आवे तो उसनु आदर नाल खिलावे, खुशी लेवे। खटकर्मी जो कहते हैं कि अमुका अन्न खाइए, अमुका ना खाइए, सो सब परम है। अन्न सब पवित्र है, इक एह खाने वाला पवित्र है। जो अपनी देही माफक होवे सो खाए, पर गुरु तो विमुख और हंकारी दा अन्न ना खाए। दबिस्तान मजाहब विच लिखा है, सिखां विच हिंदुआं जिहा खाण पीण दा बंधन नहीं। एक बार प्रताप मल ज्ञानी ने एक हिंदू मुंडे नूं मुसलमान हुंदा वेख के आख्या सी कि जे तू खाण पीण दे बंधन तो दुखी होके मुसलमान बनता है तो गुरु का सिख क्यों नहीं बन जाता। गुरु साहिब ने एक सूत्र विच ही खाण पीण दा झगड़ा मुका दिता है। यथा, बाबा होर खाणा खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़ी है, मन मह चलै विकार। अर्थात, ओह खाणा ना खाओ जिस नाल शरीर नूं पीड़ा होवे अते मन विकारां विच परवरते। नौवां, बर्त।
आप दे मत विच एकादशी जन्म अष्टमी आदिक अनेक बर्त रखने विधान हन, पर सिख धर्म दी इना कर्मा बाबत यह आग्या है। पहला, अन्न ना खाहे देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजै। दूजा, मन संतोख सर्ब जी दया, इन बिद बर्त संपूर्ण पया। तीजा, वर्त न रहो न महरम दाना, तिस सेवी जो रखे निदाना। चौथा, नौमी नेम सच जे करे, काम क्रोध तृष्णा उचरै। दसमी दसै द्वार जे ठाकै, एकादशी एक कर जाणै। द्वादशी पंच वसगत कर राखै, तौ नानक मन मानै। ऐसा वर्त रही जै पाडे, होर बहुत सिख क्या दीजै। पंजवां, छोड़ै अन्न करै पाखंड, ना सोहागण ना होरंड। जग मह बक्ते दुधाधारी, गुप्ती खावै वटिका सारी। अन्नै बिना ना होए सुकाल, तजियै अन्न ना मिलै गोपाल। छीवां, सगली थीत पास डर राखी, अष्टम थीत गोविंद जन्मा सी। परम भूलै नर करत कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। रहाओ कर पंजीर खवायो चोर, ओहो जन्म ना मरे रे साकत टोर। सगल पराध देहे लो रोनी, सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी। जन्म ना मरे ना आवे ना जाए, नानक का प्रभ रहे समाए। सत्वां, पूजा वर्त उपारणे, वर सराप शिव सक्त लवेरे। साध संगत गुर शब्द विण, थाओ ना पायन भले भलेरे। अठवां, गुरु का सिख एकादशी आदिक बर्त ना रखे। नौवां, सिख एह बर्त रखे, अखियां कर पर इस्त्री ना देखे। जिहवा कर मिथ्या ना बोले, पैरा कर बुरे कर्म नू ना ताए। दसवां, महुरत तिथ वार सगन। आप महुरत सगन तिथ और वार आदिक दे विश्वासी होके कई प्रकार दा चंगा मंदा फल मानदे हो, पर सिख धर्म विच इना परमा दा त्याग है। पहला, सोई सास्त सौन सोए, जित जपिए हर नाओ। दूजा, सगन अपसगन तिसको लगे, जिस चीत ना आवे। तीजा, प्रभु हमारे शास्त्र सौन, सुख सहज आनंद ग्रह पौन। चौथा, नाम हमारे सौन संजोग। पंजवां, छनिचर वार सौन सासत विचार, होमै मेरा भरमै संसार। मनमुख अंधा दूजै पाए, जमदर बादा चोटा खाए। गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। छेवां, तिथि वार सब शब्द सुहाए, सतगुर सेवै ता फल पाए। तिथि वार सब आवै जाहे, गुर शब्द निहचल सदा सच समाहे। तिथि वार ता जा सच राते, बिन नावै सब भरमै काचे। मनमुख मरै मर बिगती जाहे, एक न चेतै दूजै लुबाहे। एथे सुख न आगै होए, मनमुख मुए अपना जन्म खोए। सतगुर सेवै भरम चुकाए, घर ही अंदर सच महल पाए। आपे पूरा करै सो होए, एह तिथि वार दूजा दोए। सतगुर बाजो अंध गुबार, तिथि वार सेवै मुग्ध गवार। नानक गुरमुख बूजै सोजी पाए, इकत नाम सदा रहया समाए। एक जरूरी फुटनोट, गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि जो लोग कहिंदे हन कि इस तिथि विच मरे तो मुक्ति हुंदी है और इस तिथि विच अपगति, ओह अज्ञानी हन। जो वाहिगुरु तो विमुख हन, ओही अपगति नूं प्राप्त हुंदे हन। दूजा, अनमतियां ने इत्थों ताईं दलेरी कीती है कि तिथि वार दे फल नूं खंडन करन वाले गुरु अमरदास जी दा ही नाउं लै के गुरु अमरदास भले का बोलना पोथी लिख मारी है और गुरसिखां नूं अपने जाल विच फसाउण लई पूरा यतन कीता है। उन्हां सिखां नूं भी बुद्ध दे वैरी आखणा लोड़ीए जो गुरु ग्रंथ साहिब विच तीजे सतगुरु दे इह बचन पढ़ के फेर परपंचियां दी बनाई होई पोथी पर भरोसा करदे हन। फुटनोट समाप्त। सत्तवां मुखवाक,
सौन सगुन विचारणे नौ ग्रह बारह रास विचारा कामन टूणे औसिया कणसोई पासार पसारा गदो कुते बिल्लिया इल मलाली गिद्दड़ छारा नार पुरख पाणी अगन छिकपद हिडकी वरतारा थितवार पदरा परम दिसा सूल सहसा सहसारा वल छल कर विश्वास लख बहुत चूखी क्यों रवै पतारा गुरमुख सुख फल पार उतारा। अठवां सज्जा खब्बा सौण ना मन वसाया नार पुरख नू वेख ना पैर हटाया पाख सुभाख विचार ना छिक मनाया देवी देवना सेवना पूज कराया पंबल भूसे खाए ना मन परमाया गुरसिख सच्चा खेत बीज फलाया। नौवां सिख अनन्य पंडित दिख ऐसे ग्रह तथवार ना माने कैसे एक भरोसा प्रभ का पाए त्याग लगन अरदास कराए। भाई नंद लाल साहिब तोसी फोशना विच लिखते हैं कि जगत सुधारक गुरु नानक देव अविद्या परम और वहमा दे विरोधी हैं यथा जिदुल गरी कनूल बहारल रसूमात वल आदात मुआफिखल शिनावरुनुल शिवातिल खयूल वल वाहिमात। अर्थात जो लोग परम संबंधी रिवाज और रस्मां दे समुंदर विच डुबे हुए हैं गुरु साहिब उना दे विरुद्ध हैं और जो वहमी ख्यालां दे समुंदर तो तर के पार होण वाले हैं उना दे अनुसारी हैं। ग्यारवां प्रेत किरिया श्राद्ध तीर्थ आप प्रेत किरिया द्वारा गया आदिक तीर्थां पर पिंड दान देन करके जीव दी गति मानते हो और पितरां नू तृप्त करन लई श्राद्ध कराउंदे हो और इस विषय आप दे धर्म पुस्तक दा एह कथन है। श्राद्धां दे दिनां विच पितर पुरी खाली हो जांदा है सारे पितर श्राद्ध दा अन्न खाण लई मात लोक विच भज के आ जांदे हन जे उहनां नू ना खवाया जावे तां श्राप दे के चले जांदे हन। श्राद्ध कराउण जिहा होर कोई पुन नहीं सुमेर पर्वत जिन्ने भारी पाप किते हुए श्राद्ध करन करके तुरत नास हो जांदे हन श्राद्ध करके ही आदमी स्वर्ग नू प्राप्त हुंदा है। एक जरूरी फुटनोट हिंदू मत विच एह मन्या गया है कि प्रेत किरिया करवाए बिना प्राणी दी गति नहीं हुंदी चाहे अपनी जिंदगी विच जीव अनेक शुभ कर्म करे पर उसदे मरे पिछों जे संबंधियां द्वारा प्रेत किरिया ना होवे ता प्राणी दी दुर्गत हुंदी है। इस बात नू मुख रख के मनु पुत्र दा अर्थ इस तरह करदा है पू नाम नर्म तो जो पिता नू बचावे उस नू पुत्र कहीदा है। मनु जी होर उचारदे हन पुत्र करके पिता स्वर्ग नू प्राप्त हुंदा है पोता होण करके देर ताई स्वर्ग विच रहिंदा है और पड़ोता जम्मे तो सूर्य लोक विच जा पहुंचदा है। फुटनोट समाप्त। श्राद्ध करन तो पहला अग विच होम करे जे अग ना होवे ता ब्राह्मण दे हाथ पर होम करे क्योंकि ब्राह्मण अते अग्नि इको रूप हन। मनु ने एह गल नहीं दसी कि जे अग ना होवे ता ब्राह्मण दे हाथ पर तवा रख के रोटी पका लवे। एक विद्वान मनु दे इस लेख दा एह भाव कढ़दा है कि भारत वर्ष दा राज प्रताप और विद्या बल आदिक स्वाहा स्वाहा कह के स्वाह करन लई जरूर जाति अभिमानी ब्राह्मण अते अग एक रूप हन। श्राद्ध विच जे पितरां वास्ते तिल चौल जौ मां और साग तरकारी दित्ती जावे ता पितर एक महीना रजे रहिंदे हन। मच्छी दे मास नाल दो महीने हरण दे मास नाल तीन महीने मिड्डे दे मास नाल चार महीने पंछियां दे मास करके पंज महीने बकरे दे मास नाल छी महीने चित्तल दे मास करके सत महीने चिंकारे दे मास नाल अठ महीने लाल मिर्ग दे मास करके नौ महीने झोटे अते सूर दे मास नाल दस महीने कछू और सहे दे मास देण करके पितर ग्यारह महीने रजे रहिंदे हन इत्यादिक। श्री गुरु नानक साहिब लोकां दा उद्धार करदे हुए जदों गया तीर्थ पर गए हन उस वेले इह शब्द उचारण कीता है।
यह प्रसंग जन्म साखी विच इस तरह है। गया दे पंडता कहिया, तुसी भी अपने पितरां दा उधार करो। तां बाबे ने कहिया, असां अपने पितरां दा ते अपना ते अपने जगियासुआं दा ते उन्हां दे पितरां दा उधार कर छड्डिया है। ऐसी किरिया करम दीवा पिंड पत्तल कीती है, जो अज्ञान दा अंधेरा दूर कर छड्डिया है। तां गुरु बाबा जी ने राग आसा विच शब्द कहिया। होर कथन, जिस ब्राह्मण दे वैष्णव मत दा तिलक ना होवे, जे उस नूं श्राद विच भोजन दिता जावे, तां श्राद कराउण वाले दे पितर निरसंदेह विष्टा और मूत खांदे पींदे हन। गुरमत विच उपर लिखे भरमां तों विरुद्ध गुरु साहिब ने सत उपदेश इस प्रकार कथन कीता है। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन ओह सोखिया, चूका जम स्यों मेल, लोका मत को फकड़ पाए, लख मड़िया कर एकठे, एक रती लै पाए रहाओ, पिंड पतल मेरी केसों, किरिया सच नाम करतार, इथे उथे आगे पाछे एहो मेरा आधार, गंग बनारस सिफत तुम्हारी, नावै आत्म राओ, सच्चा नावन तां थीए, जां अहिनस लागै पाओ। एक लोकी होर छमिछरी, ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बखसीस का कबहू निकूठस नाहे। दूजा, आया गया मोया नाउ, पिछै पतल सदहै काव, नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डुब्बा संसार। तीजा, नानक अग्गै सो मिलै, जी खटै काले दे। चौथा, ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए, नानक ऐथे कमावै सो मिले अग्गै पाए जाए। पंजवा, जीवत पितर ना मानै को, मुए सराद कराही, पितर भी बपुरै कहो, क्यों पावै कौआ कुकर खाही, माटी के कर देवी देवा, तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहियन, अपन कहिया ना लेही। छेवां, एह मन मेला इक न त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीर्थ दिसंतर भवै अहंकारी, होर वधेरे होमै मल लावणिया। सतवां, तीर्थ पूरा सतगुरु, जो अनदिन हर हर नाम ते आए। अठवां, तीर्थ नाए ना उतरस मैल, कर्म धर्म सब होमै फैल। नौवां, मकर पराग दान बहु किया, शरीर दियो अधकाट, बिन हर नाम को मुक्त ना पावै, बहु कंचन दीजै कटकाट। एक जरूरी फुटनोट, पहला एक पिंड देवत्यां वास्ते देना आख्या जांदा है, दूजा पितरां नूं दिता जांदा है, पर मिलदा दोहां नूं नहीं, ब्राह्मण आप ही वट के सब सामग्री खा पी जांदा है। दूजा, जौ दे आटे आदि दा पिन्ना जो पितरा नमित दिता जांदा है। तीजा, माता पिता और बजुर्गां दा सेवन और सन्मान करना सिख धर्म विच श्राद है। मरियां नूं पहुंचाउणा अज्ञान है, जो सिख हिंदुआं दी नकल करके श्राद करदे हन और उस नूं गुर रीति अनुसार श्राद करना दसदे हन, ओह अज्ञानी हन। दसवां मुखवाक, तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। ग्यारवां, गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुर्मत मैल हर, सतगुर पाया पूरा नावण, पशु परेतै देव करे। बारवां, अनेक तीर्थ जे जतन करे, ता अंतर की होमै कदे न जाए। तेरवां, मन मैलै सब किछ मैला, तन तोतै मन हछा न होए, एह जगत भरम भुलाया, विरला बूझै कोई। चौदवां, सच्चा तीर्थ जित सतसर नावण, गुरमुख आप बुझाए। पंद्रवां, जल के मजन जे गत होवै, नित नित मेंढक नावै, जैसे मेंढक तैसे ओए, नर फिर जोनी आवै। सोलवां, गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का काबा, घर घर बाबा गावी है, वजन ताल
ਮਰਦੰਗਰ ਬਾਬਾ। 17ਵਾਂ ਤਹਿਰੇ ਗੰਗ ਅਜ ਗੁਬਾਰੇ ਪਾਏ ਸਾਂ, ਸ਼ਸ਼ਤੋ ਹਸ਼ਤ ਅਜ ਨਵੇਂ ਹਵਾਏ ਸਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਔਰ 68 ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ, ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ 8 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਅਸੂਵਧੀ 10 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ? ਔਰ ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੈਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਬੈਬਾਣ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ, ਫੁੱਲ ਹਰ ਹਰ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਸੂ ਸੁਦੀ 10 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੂ ਸੁਦੀ 10 ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣੀ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਧ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਪੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਤਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧ ਆਦਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੁੱਟਨੋਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਛਪਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਕਾਲਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਖੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਧ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਸਿੱਖ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਔਰ ਅਨਿਆ ਮਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਏ, ਔਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪੁਸਤਕ ਰਚ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੁੱਟਨੋਟ ਸਮਾਪਤ। ਇਸ ਥਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਸੋਜ ਕਾਲੂ ਅਨਵਾਈ, ਰੀਤ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਬਨਵਾਈ, ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਬੁਲਾਏ ਤਹਿ ਕਾਲਾ, ਬੈਠਿਓ ਕਰਨ ਸ਼ਰਾਧ ਵਿਸਾਲਾ, ਤਵ ਚਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਆਏ, ਜੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਭਾਨ ਸੁਹਾਏ, ਪਰਚੇ ਕੌਣ ਕਾਜ ਮਹਿਤਾਤਾ, ਭੀਰ ਅਜਰ ਕਹੀਏ ਬਿਰਤਾਂਤਾ, ਸੁਨਕਰ ਕਾਲੂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਪਿਤਰਨ ਕੇਰ ਸ਼ਰਾਧ ਹਮਾਰੇ, ਹੇ ਪਿਤ ਸਤ ਬਚਨ ਤੁਮ ਮਾਨੋ, ਪੁੰਨਵਾਨ ਅਤੀਸ਼ੈ ਨਿਜ ਜਾਨੋ, ਪਿਤਰ ਗਏ ਤੁਮਰੇ ਅਸਠੋਰੀ, ਭੂਖ ਰੂ ਪਿਆਸ ਜਹਾਂ ਨਹਿ ਥੋਰੀ, ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਅਭਿਲਾਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਰੈ ਸ਼ਰਾਧ ਸਤਿੰਤ ਕਿਉਂ ਤਾਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਬਾਬਤ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਬੈਠੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਸੱਦ ਬਾਬਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਦ ਪਰਮਾਰਥ ਪੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ਼ੋ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਔਰ ਉਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਯਥਾ ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸੋਂ ਕਿਰਿਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਦੋਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ੋ ਪਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ। ਸੱਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਲਾਣੇ ਪਰ ਨਿਰਵਾਣ ਨਿਤ ਇੱਕ ਰਸ ਅਚਲ ਕਰਤੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਔਰ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਪਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਸੁਣਨੇ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਲਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਹਰ ਕਥਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੁਣਨੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਬਾਨ ਕੱਢਣਾ, ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਖੰਡ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਇੰਦਰ ਜਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਦ ਦੇ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕਹਿਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਵਰੋਣਾ ਜਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੇ, ਏਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ, ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੰਡਤਾਂ ਔਰ ਭਰਮ ਰੂਪ ਕਰਮਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਪੜ ਪੜ ਉੱਚਾ ਕੂਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਚੀਨਈ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਜਗਤ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਾ, ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਪੜੈ ਪੰਡਤ ਕਹਾਵੈ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਚੌਥਾ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਪੰਡਤ ਕਹਾਵੈ, ਬਿਖਿਆ ਰਾਤਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾ ਗਲ ਜੇਵੜਾ ਨਿਤਕਾਲ ਸੰਤਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਮਕਾਲ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਡਤ ਪੜੈ ਪੜਵਾਦ ਵਖਾਣੈ, ਤਿੰਨਾ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਈ, ਬਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਹਿ ਕਿਸ ਭਾਈ। ਛੇਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਦੁਲੇ ਅਵਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ, ਜਮਦਰ ਬਦੈ ਮਾਰੀਐ, ਫਿਰ ਵਿਸਟਾ ਮਾਹੇ ਪਚਾਏ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਜਨ ਸਚੈ ਪਰਵਾਣ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ ਸਮਾਏ ਰਹੇ, ਚੂਕਾ ਆਵਣ ਜਾਂ। ਸਤਵਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਨਾ ਰੁੱਤ ਨਾ ਕਰਮ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਅੱਠਵਾਂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਜੰਪੁਰ ਬਦੈ ਮਾਰੀਐ, ਜਿਉਂ ਸੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ। ਤੀਜਾ, ਸੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਜਾਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਓ, ਹਰ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਆਸ ਜੀਓ। ਕਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਔਰ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਸਤ ਹੈ ਜੋ ਜੌਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪਿੰਨਾਂ ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਲੂਮ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਬਿਰਾਜਣ ਵਾਲੇ ਉਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਖੰਡ ਜਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਹਿੰਦੂ ਫਰਿਆਦੀ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਦ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਸਨ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਆਦਿਕ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਯਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਪਰ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਜੋ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੇਤੂ ਇਸੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਸਭੈ ਫਿਰ ਦੇਖੈ, ਪੂਰਬ ਧਰਮ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਿਖੈ, ਔਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
तीर्थ उद्यम सतगुर किया सब लोक उदरण अर्था। और आप इस पर भी विचार करो कि तीर्था पर जाके सतगुरां ने की कर्म किया, कि उत्थे हिंदू रीति अनुसार पूजन विधि की जा अपना पवित्र उपदेश दे के यात्रियों के भरम कढ़न का उपाव किया। देखो गंगा उपर गुरु साहेब हिंदुओं नू पूरब की तरफ सूरज और पितरां नू पानी देंदे देख के पछम वल पानी देन लगे। पुछन ते उत्तर दिता कि मैं अपनी खेती नू पानी दिना हाँ। जदों हिंदुओं ने आख्या कि इतनी दूर आप दे खेतां नू पानी किस तरह पहुंचेगा, तां गुरु साहेब ने फरमाया कि तुहाडा पानी सूरज और पितरां नू आकाश विच किस तरह बहुत दूर पहुंचेगा। और कुरक्षेत्र पर ग्रहण विच प्रसाद पकाउण लग पए, जिस तों ग्रहण विच खाण पीण दा भरम हटाया। जगन्नाथ जाके आरती वेले खड़े नहीं होए और दीवियां दी आरती दा खंडन करके सच्ची आरती दा उपदेश दिता। मक्के पहुंच के काबे दी तरफ पैर करके सौं गए। मुजावरां दे इतराज पर उत्तर दिता कि जिस पासे तुहानूं खुदा दा घर नजर नहीं आउंदा उस पासे मेरे पैर कर दिओ, और मैं कोई ऐसी दिशा नहीं देखदा जिधर मेरे मालक दा घर नहीं। इस तों करतार नूं इक देशी मनना अर इक तरफ ही मूंह करके नमाज पढ़नी अग्ञान दस्या। इत्यादि इक होर प्रसंग बहुत हन। भाव सब दा इह है कि गुरु साहिब देश देशांतर दे तीर्थां पर जगत दे सुधार वास्ते विचरे हन। अज असीं इस भाग दी समाप्ति इत्थे ही करदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।